नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। सो आज के इस वीडियो में हम बहुत जरूरी टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आजकल बारिश के मौसम में लोग ज्यादा प्रॉब्लम लेके आते हैं। वो प्रॉब्लम है यूटीआई, यस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें ज्यादातर महिलाओं को ही दिक्कत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाओं का जो यूरिथ्रल होता है, यूरिथ्रल दोनों में होता है, मेल में और फीमेल में, बट उनका साइज में छोटा होता है, तो इन्फेक्शन को ट्रेवल करने में आसानी होती है, वो वहाँ पर जल्दी पहुँचता है, तो इसलिए महिलाओं में यूटीआई जल्दी होता है और उसके रिकरेंस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यूटीआई तो हो गया, बट मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसको रिकरेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? बिकॉज हम महिलाएं आजकल ओवर हाइजीन के चक्कर में और कमर्शलाइज मार्केट में जितने भी आजकल इंटीमेटेड एरिया को वॉश करने के प्रोडक्ट चल रहे हैं उनको हम यूज करती हैं। एक प्रोडक्ट पे तो कोई महिला टिकती नहीं है, उसको बार बार चेंज कर यूज करते हैं, और कई बार हम प्रोडक्ट ना भी यूज करें तो भी इंटीमेट एरिया को हमें वॉश करने का हैबिट होता है, दैट इज ड्यू टू ओवर हाइजीन। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि फीमेल की जो वेजाइनल एरिया होता है वहां पे कैंडिडा बैक्टीरिया होता है जो कि वहां पर ईस्ट फॉर्मेशन करता है, जिससे कि वहां का पीएच लेवल बैलेंस में रहता है। पीएच लेवल जब बैलेंस में रहेगा तो वेजाइनल फ्लोरा नॉर्मल रहता है, बट बार बार वॉश करने से वो एरिया ऑलरेडी मॉस्ट है और हम उसको वॉश करके वहां पे मॉइस्चर बनाए रखते हैं, तो उससे क्या होता है, वेजाइनल एरिया का फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है, और अगेन फीमेल विल बिकम फॉर द प्रोन ऑफ द इन्फेक्शन, और इसी वजह से यूटीआई हमें बार बार रिकरेंस होता है। दूसरा रीजन, मीठे की क्रेविंग होना, शुगरी आइटम, बेकरी आइटम अपनी डाइट में ज्यादा रखना। तीसरा, आजकल जितने भी सैनिटरी पैड्स के मार्केट में एडवर्टीजमेंट चल रही है तो वो भी हर बार नए यूज करना, कभी भी नहीं समझना कि ये वाला सैनिटरी पैड कॉटन बेस्ड है या ये इसमें कुछ प्रोडक्ट अलग है, ये अल्कोहल बेस्ड है, बिना जाने ही कोई भी सैनिटरी पैड यूज कर लेना, सो उसकी वजह से भी यूटीआई बार बार होता है। चौथा रीजन, ऑफकोर्स अनहाइजीनिक सेक्स, तो इसकी वजह से भी महिलाओं को यूटीआई रिकरेंस होता है। और हाँ, अगर महिला वर्किंग है और किसी भी आप पब्लिक टॉयलेट बार बार यूज कर रही हैं, ऑफिस में बहुत सारे लोगों का एक ही टॉयलेट है, सो डेफिनेटली वी विल बी प्रोन ऑफ द मोर इन्फेक्शन, बिकॉज हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, यूरिथ्रल का साइज छोटा होता है, इन्फेक्शन जल्दी ट्रेवल करता है। इन सारी वजहों से के साथ साथ तो आपका जो यूटीआई होता है वो कुछ सिम्टम्स लेके आता है जो कि सब में अलग अलग होते हैं। पहला सिम्टम, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आना। दूसरा, हेजिटेंसी इन द यूरिनेशन, या फिर अर्जेंसी, एकदम से ऐसा लगना कि हमें अभी यूरिन जाना है, कंट्रोल ना होना। तीसरा, पेनफुल यूरिनेशन, जिसमें कि पेन के साथ यूरिनेशन होता है और एक कुछ जलन के साथ। चौथा, इसके साथ साथ डिस्क्लेरेशन ऑफ द यूरिनेशन होता है, और समटाइम्स आपके यूरिन में ब्लड भी आता है। ये सारे सिम्टम्स यूटीआई के होते हैं, जिसमें कि आप नॉर्मल एंटीबायोटिक लेते हैं और कुछ टाइम के बाद आपको हैवी एंटीबायोटिक्स पे डाल दिया जाता है, और जब आप सालों एंटीबायोटिक खा के परेशान हो जाते हो तो आप ढूंढते हो आयुर्वेद में कुछ ढूंढते हैं, और फिर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को ऑप्ट करते हैं। जी हाँ, आयुर्वेद में यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बहुत अच्छा समाधान है। चरक संहिता में इसको हम कुछ डाइटरी प्रिकॉशन और कुछ स्पेशल डाइट के साथ करेक्ट करते हैं जो कि बताया गया है, जैसे कि तंडुलोदक एक राइस वाटर होता है, इसके साथ हम आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, साथ में आपको ये पीने को भी बोलते हैं, जो कि आपको बैक एंड इंचिंग और आपको लोअर एब्डोमेन में जो यूटीआई की वजह से पेन होता है उससे बचाता है। साथ में धान्याहिम और आपको मिंट वाटर भी बोला जाता है, वो भी कुछ मेडिकेशंस के साथ भी आपको दिया जाता है और अकेले पीने को भी दिया जाता है, जिससे कि पित्त का शमन होता है, क्योंकि यूटीआई में जो बर्निंग होती है और ये बार बार बैक्टीरिया की वजह से होता है, सो डेफिनेटली पित्त का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है, सो वो करेक्ट होता है और आपका यूटीआई टाइमली मैनेज होता है और क्योर भी बहुत अच्छे से होता है। अब काफी महिलाएं इसमें यूटीआई के साथ साथ वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, बहुत सारे इश्यूज लेके आती हैं, उसके साथ साथ अलग मेडिसिन चलती हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम, आपका बॉडी वेट देखकर हम डिसाइड करते हैं। सो अगर आप भी यूटीआई में उन लोगों में से हैं कि जिसको यूटीआई के दौरान बहुत पेन होता है, आपके यूरिन में ब्लड आता है, तो आप संभल जाइए, हैवी एंटीबायोटिक खाने की बजाय आप अपने आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, कुछ आपकी अपनी डाइट में चेंजेस और कुछ डाइटरी हैबिट अपनी लाइफ स्टाइल में लाकर यूटीआई को टाइमली करेक्ट कीजिए।
यूटीआई जो है वो ना सिर्फ आपका वेजाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब करेगा बल्कि आपका पीआईडी यानी कि पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज भी कोर्स कर देगा, जिससे कि आपकी ट्यूब्स में इंफेक्शन हो जाएगा, हाइड्रोसेल्फिंग जैसी कंडीशन हो जाएगी, या इन फ्यूचर आपका इम्प्लांटेशन फेलर्स के रीजन भी पीआईडी की वजह से हो जाएंगे। सो यूटीआई को आप गंभीरता से लीजिए। अगर ये रिकरेंस है सो हाँ, आयुर्वेद ट्रीटमेंट इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और इसको बहुत अच्छे से क्योर और मैनेज करने में बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन जैसे कि गोक्षुर है जो कि इंफ्लामेशन दूर करती है, बर्निंग दूर करती है, उसके साथ पूर्णवा है वो भी डायूरेटिक है प्रॉपर्टी में और इन्फ्लामेशन को दूर करेगी, स्वेलिंग को दूर करेगी, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में योग में देते हैं। पेटेंट मेडिसिन से अच्छा क्लासिकल मेडिसिन जो शास्त्रोक्त होती है वो आप लीजिए, योग लीजिए, उसके साथ अनुपान यानी कि आप उसको राइस के पानी के साथ ले रहे हैं, आप उसको धनिया के पानी के साथ ले रहे हैं, सौंफ के पानी के साथ ले रहे हैं, मिंट के पानी के साथ ले रहे हैं, वो सब बहुत मैटर करता है। तो अपना सही आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने आसपास चुनिए और अपनी यूटीआई की समस्या को कंप्लीटली क्योर करवाइए। धन्यवाद।